વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમના માસિક રેડિયો કાર્યક્રમ મન કી બાત દ્વારા દેશવાસીઓને સંબોધન કર્યું હતું. પીએમ મોદીએ કહ્યું છે કે ટોક્યો ઓલિમ્પિક્સમાં ભારતીય ત્રિરંગો જોવા માટે આખો દેશ ઉત્સાહિત છે. પીએમ મોદીએ ઓલિમ્પિકમાં ભાગ લેનારા તમામ ભારતીય ખેલાડીઓને પણ શુભકામનાઓ પાઠવી છે. ટોક્યો ઓલિમ્પિક્સમાં ભારતીય ખેલાડીઓ કો તિરંગા લેકર ચલતે દેખકર મેં હી નહીં પૂરા દેશ રોમાંચિત હો ઉઠા. પૂરે દેશને જૈસે એક હોકર अपने इन योद्धाओं से कहा विजयी भवा विजयी भवा. जब ये खिलाड़ी भारत से गए थे तो मुझे इनसे गपशप करने का, उनके बारे में जानने और देश को बताने का अवसर मिला था. ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए यहां पहुंचे हैं. आज उनके पास आपके प्यार और सपोर्ट की ताकत है. इसलिए आइए मिलकर अपने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं, उनका हौसला बढ़ाएं. सोशल मीडिया पर ओलंपिक खिलाड़ियों के सपोर्ट के लिए हमारा विक्टरी पंच कैंपेन अब शुरू हो चुका है. आप भी अपनी टीम के साथ अपना विक्टरी पंच शेयर करिए, इंडिया के लिए चीयर करिए. करगिल के वीरों को हम सब नमन करें. साथियों, इस बार 15 अगस्त को देश अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है. यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया उसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं. आपको याद होगा आजादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी. इसी दिन बापू की दांडी यात्रा को भी पुनर्जीवित किया गया था. तब से जम्मू कश्मीर से लेकर पुडुचेरी तक, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक, देश भर में अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं. कई ऐसी घटनाएं, ऐसे स्वाधीनता सेनानी जिनका योगदान तो बहुत बड़ा है लेकिन उतनी चर्चा नहीं हो पाई, आज लोग उनके बारे में भी जान पा रहे हैं.